सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एंटी डी इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जिसे हम RS इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं RS क्या होता है। मानव शरीर में जो ब्लड है, इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे हम ब्लड टाइप तथा ब्लड ग्रुप कहते हैं। और आप में से काफ़ी दोस्त जानते होंगे कि मुख्य प्रकार से ब्लड को चार ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें ए बी तथा ओ, ये ग्रुप्स है। और इनके साथ में पॉजिटिव तथा नेगेटिव लिखा जाता है, जैसे कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। यदि किसी व्यक्ति का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन अवेलेबल रहता है, साथ ही एंटीजन RHD भी अवेलेबल रहता है। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव है, तो उस ब्लड में ए एंटीजन तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो RHD एंटीजन है ये अवेलेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि RHD जो एंटीजन है, इसकी उपलब्धता तथा अनुपलब्धता ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव तथा नेगेटिव को शो करती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में RHD जो एंटीजन है अवेलेबल रहता है, तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में RHD जो एंटीजन है अवेलेबल नहीं है, तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। उम्मीद है ये RH की जो डिटेलिंग है आप समझ पाए होंगे। अब जान लेते हैं जो NTD इंजेक्शन है, इसकी थोड़ी डिटेल के बारे में। NTD इंजेक्शन, जिसे हम RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी कहते हैं, यह विशेषकर महिलाओं के लिए प्रयोग लिया जाता है। यदि कोई महिला गर्भवती है या कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दे दिया है, इन दोनों में ही ICU इम्यूनाइजेशन को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। और यह एक प्रकार की RH डिजीज है। इस स्थिति में महिला जो प्रेग्नेंट हुई है, मतलब कि माता, इसका जो ब्लड ग्रुप रहता है RH नेगेटिव रहता है, और जो पिता है इसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। इन दोनों स्थितियों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पेट में पल रहा बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव जो पिता के समान ही रहेगा। ऐसी स्थिति में जब पेट में पल रहे बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है और महिला का नेगेटिव होता है, तो महिला के ब्लड द्वारा बच्चे को कुछ नुकसान पहुँचने के चांसेस होते हैं। परंतु दोस्तों ये जो चांसेस है फर्स्ट डिलीवरी में बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड डिलीवरी की बात करें तो उसमें ज़्यादा घातक नुकसान हो सकते हैं, जिस कारण से बच्चे की पेट में मृत्यु हो जाती है, या जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या मस्तिष्क अविकसित रहता है, इस प्रकार की समस्या उनमें देखी गई है। तो इन सभी को रोकने के लिए जो NTD इंजेक्शन है डॉक्टर द्वारा को महिला को लगाया जाता है। इसके अलावा NTD इंजेक्शन का प्रयोग प्राइमरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी में भी किया जाता है। ये ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें जो प्लेटलेट की काउंटिंग है वो कम हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति में कई प्रकार की समस्या देखी जाती है, जैसे कि स्किन पर लाल लाल दाने हो जाना, पेचेस हो जाना, मसूड़ों तथा नाक में से खून बहना, और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये समस्या इस बीमारी में होती है। तो इसको क्योर करने के लिए भी NTD इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में कब लगाया जाता है, कितनी मात्रा लगाई जाती है और किस तरह से लगाया जाता है, इसको हम वीडियो के आगे के पार्ट में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं ये इंजेक्शन किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कितने रुपये में आपको मिल जाता है और किस नाम से आपको मिल जाता है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह तीन अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 100 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम तथा 300 माइक्रोग्राम है। और जब भी हम इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो ये अपने NTD जो जेनरिक नाम है इससे आपको आसानी से मिल जाता है। साथ ही इसके अलावा एक सबसे पॉपुलर इसकी ब्रांड नेम है, जो भारत सीरम द्वारा बनाई जाती है, वह है रोक्लोन। इस नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। अगर प्राइस की बात करें कितने रुपए में ये इंजेक्शन मिल जाता है, तो जो 150 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन है आपको 1800 रुपए से लगाकर 1900 रुपए में मिल जाता है। साथ ही जो 300 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन है ये 2300 रुपए से लगाकर 2400 रुपए में आपको आसानी से मिल जाता है। और हो सकता है प्राइस में थोड़ा वेरिएशन आपको टाइम के अकॉर्डिंग और ब्रांड के अकॉर्डिंग मिल जाए। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में महिला को जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है, साथ ही RBC ब्रेकडाउन महिला में हो सकता है, बुखार आना, सिरदर्द होना, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होना, किडनी संबंधी कुछ समस्या होना, साथ ही बहुत ही कम केसेस में वायरल इन्फेक्शन होना, ये भी इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन की क्या डोज रहती है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और किस रूट से लगाया जाता है। अगर रूट की बात करें दोस्तों तो यह IM इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाया जाता है, दूसरी किसी रूट से नहीं लगाया जाता है। और इसकी जो डोज है
अगर प्लांड इंजेक्शन लगा हो जिसे हम निर्धारित इंजेक्शन कहते हैं, तो उस स्थिति में प्रेगनेंसी के 28वें जो हफ्ता है जिसे हम सामान्यतः 7 महीने कहते हैं उस समय लगाया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके जस्ट 3 दिनों के भीतर भीतर और लगाने की सलाह दी जाती है। यह है प्लांट इंजेक्शन में। और यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी हुई है कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो कॉम्प्लिकेशंस होने की तुरंत 72 घंटे के भीतर भीतर इस इंजेक्शन को लगाना होता है, और ज़्यादा आवश्यकता और पड़े तो 6 हफ्ते से लगाकर 12 हफ्ते के बीच में और एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और सामान्यतः जो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जैसा कि हमने जाना था, यह जो कंडीशन है बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना, तो ये प्राइमरी जो डिलीवरी होती है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो जब प्राइमरी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म के 72 घंटे के भीतर भीतर इस इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। और यह इंजेक्शन अगर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बीमारी में लगाया जाता है तो उस समय इसकी डोज बिल्कुल अलग रहती है, जो डॉक्टर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। साथ ही जब भी आप ये इंजेक्शन खरीदेंगे तो आपको या तो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन मिलेगा जिसे डायरेक्टली पुश करना होता है, या आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा जिसके साथ में डाइल्यूएंट मिलेगा। तो उस समय आपको पाउडर और डाइल्यूएंट को मिक्स करके पेशेंट को लगाना होता है, और साथ ही इस इंजेक्शन को स्टोर करने के लिए हमेशा ठंडी जगह पर करें जिससे कि ये खराब नहीं हो। साथ ही जब भी इस इंजेक्शन को मरीज को लगाएं तो उससे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि मरीज को ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं है, और यदि आप मरीज हैं तो अपने डॉक्टर को जोर से बता दें जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल मैंने एंटी डी इंजेक्शन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रकार का डाउट आपको रह गया तो मुझे कमेंट में जरूर से लेके मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे के बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दो, जो पास बेल आइकन इसे जरूर दबाएँ जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदि के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।